मैं खुद स्वयं और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी कल से हम लोग यहाँ दिल्ली में आए हुए हैं। हमारी सरकार जो स्थापित हुई है और बाकी तो आप जानते हो कैसी सरकार स्थापित हुई है, उसका कारण क्या है सब जानते हो, और इसलिए एक भूमिका लेकर, एक विकास की भूमिका लेकर, हमारे बाबा साहब ठाकरे जी की भूमिका लेकर हम लोग ने सरकार स्थापित किया है जो 2.5 साल पहले होना चाहिए था, हम लोग अभी दुरुस्ती किया है उसमें। और इसलिए हम लोग कल यहाँ पर कटसी विजिट के लिए, सदिच्छा भेंट के लिए हम लोग जो कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से मिले हैं, आज भी हम लोग आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी से मिले हैं, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी से मिले हम लोग, और जेपी नड्डा जी से मिले हैं। आज दोपहर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और उनका भी उनकी भी शुभेच्छाएं लेंगे हम, और निश्चित रूप से महाराष्ट्र के विकास के लिए उनका भी विजन जो है उसको भी समझ लेंगे हम लोग, क्योंकि उन्होंने हमें शपथ ग्रहण करने के वक्त कहा था कि महाराष्ट्र के लिए कुछ भी कमी नहीं होगी, आप महाराष्ट्र के जनता के लिए जो जो करना है करो, महाराष्ट्र का सर्वांगीण विकास करो, इस विकास के लिए केंद्र सरकार भी आपके साथ है। तो ये सदिच्छा भेंट थी, ये हम लोग आज और कल मिले हैं। केवल हम लोगों ने माननीय उपराष्ट्रपति जी का भी समय मांगा था, उन्होंने हमको सूचित किया, वो कर्नाटक में, उन्होंने फोन पर मुख्यमंत्री जी से और मुझसे दोनों से बात की, हमको शुभकामनाएं दी, हमने उनको कहा कि आप जब भी रहेंगे हमको एक बार समय दीजिए तो हम बाद में उपराष्ट्रपति जी को भी मिलेंगे। नहीं देखिए, मिड टर्म का तो क्या अभी, या लोकशाही में तो डेमोक्रेसी में तो आपको पता है कि सभी बातें जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, रूल्स है, उसके मुताबिक ही चलते हैं। तो एक महाराष्ट्र में जो नई सरकार स्थापित हुई है, बहुत ही मजबूत सरकार है जिसके पास मेजोरिटी है 164 और सामने जो है 99 है, तो हम लोग मेजोरिटी में है। अभी जो मौका मिला है उसका पूरा जो उपयोग जो है ये महाराष्ट्र के विकास के लिए हम लोग करेंगे, और निश्चित रूप से जो पिछले 5 साल, मतलब ये 2.5 साल से पहले जब युति सरकार थी, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी थे, उन्होंने जो काम किया है 5 साल में, कई प्रकल्प शुरू हो गए, कई कंप्लीट हो गए, जो बीच में खंडित रहे हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। समृद्धि जैसे जो बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग है, मेट्रो है, जलयुक्त शिवार है, ऐसे कई प्रोजेक्ट जो है जो जिसकी वजह से किसानों को फायदा होगा बहुत बड़े पैमाने पर, जो जमीन है इरिगेटेड होगी लोगों को, उसका किसानों को फायदा होगा, सभी जो घटक है उनको उसका फायदा होगा, ऐसे प्रकल्प हम लोग आगे लेकर जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी का भी महाराष्ट्र के विकास में जो विजन है वो भी समझ लेंगे, क्योंकि उनका भी आशीर्वाद, उनका भी सपोर्ट हमें मिलेगा, और ये जो मौका मिला है उसका पूरा फायदा महाराष्ट्र के जनता को, महाराष्ट्र के सरकार को, राज्य को कैसा होगा इसमें हम लोग काम करेंगे। हम लोग शिवसेना पार्टी है, आपको मालूम है कि जो स्पीकर है विधान सभा के, उन्होंने हमें रिकग्नाइज किया है। अभी कुछ लोग कोर्ट में गए हैं, न्याय व्यवस्था पर हमारा विश्वास है, क्योंकि हम लोग ने कुछ भी ऐसा गैर कानूनी काम किया नहीं है, मेजोरिटी को बहुत ही काफी महत्व होता है, और इसलिए हम लोग नियम के अनुसार काम कर रहे हैं। एक मिनट, आपने कहा कि स्पीकर और जो भी कानून के मुताबिक काम करेंगे, तो स्पीकर के फैसले से सरकार चल सकती है, लेकिन पार्टी और सिंबल का फैसला चुनाव आयोग करेगा। आप लोग औपचारिक तौर पे अब तक चुनाव आयोग नहीं गए? शिवसेना पार्टी, हम लोग शिवसेना ही है ना, हम लोग बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका और वो लेके गए शिवसेना, हम लोग शिवसेना पार्टी है ना, चुनाव आयोग जाएंगे तो वो तो अभी की बात नहीं ना, अभी जब समय आएगा तब पता चलेगा आपको। आपकी पार्टी की और सिंबल की लड़ाई जो है वो आउट ऑफ कोर्ट और आउट ऑफ इलेक्शन कमीशन सेटल हो सकती है? नहीं, अभी तो उसके बारे में हम लोग तो कुछ सोचा ही नहीं है, क्योंकि हम खुद ही शिवसेना पार्टी है।
हमारे जितने भी देखिए लेजिस्लेटिव पार्टी, शिवसेना लेजिस्लेटिव पार्टी करके विधानमंडल में हमको रिकॉग्नाइज किया है। सर, आपके विधायकों की एक राय है कि उद्धव ठाकरे अगर मिलते हैं तो उनके साथ में आप बातचीत कर सकते हैं पार्टी के। देखिए, हम लोग ने 3-4 बार कोशिश की, हमारे विधायकों ने भी कोशिश की, सब कुछ कोशिश हो गई है। हम लोग ने कहा था कि जो नेचुरल अलायंस है शिवसेना भाजप की, उसके साथ हम लोग काम करें तो ये इस राज्य को आगे लेके जा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि जो वहां पर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सरकार के जो घटक पार्टियां है उनके वजह से हमारे जो विधायक है उनको ही, उनका ही अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। हमारी जो बाबा साहब की जो भूमिका है वो हम खुलेआम स्पष्टता से बोल नहीं सकते थे। ऐसी परिस्थिति में हम लोग ने कई बार कोशिश की लेकिन हम लोग उसमें सफल नहीं हुए, इसलिए तो हम लोग ने ये सब कदम उठाया है। शिंदे साहब, उद्धव जी ने कहा था कि जिन लोगों ने बाला साहब से मुलाकात हुई है, सर मेरा सवाल है कि अमित शाह जी से आपकी मुलाकात आप लोगों की हुई, जेपी नड्डा जी से आप लोगों की मुलाकात हुई, बहुत ही बाल सुलभ सवाल है कि मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के बनाए जाने और बीजेपी को कितनी संख्या होगी, शिवसेना को कितना मिलेगा, कुछ वार्ता इस पर हुई? नहीं, देखिए मैंने पहले भी कहा है, एक कर्सी विजिट थी, एक सदिच्छा भेंट थी। जब हमारी सरकार नई स्थापित हुई है तो वरिष्ठों को मिलना एक परंपरा है और हम लोग मिले हैं। अभी हम लोग जाएंगे मुंबई, कल आषाढ़ी एकादशी का जो बड़ा पंढरपुर में कार्यक्रम होता है, पूजा होती है, उसमें वो होने के बाद हम मुंबई जाएंगे। मुंबई में हम लोग दोनों भी उप मुख्यमंत्री और मैं बैठूंगा, उसके बाद उसके ऊपर चर्चा करेंगे और जो आपके दिल में है उसको जल्दी उत्तर करके नहीं, अभी तो मैंने कहा कि हम लोग दोनों बैठेंगे तय करेंगे। नहीं, पुलिस ने तो उनको क्लीन चिट दिया हुआ है, तो उनका समावेश हो सकता है। अभी तो मैंने कहा कि हम लोग दोनों बैठेंगे तय करेंगे, अभी तो कुछ मंत्रिमंडल के बारे में हम लोग ने कुछ बात ही नहीं की, अभी ये तो खाली हम लोग कल से सबको मिल रहे हैं। सवाल है, दो लाइनें मैं आपसे कहूंगा कि मुझे ये दर्द बड़ा अजीब है क्योंकि ये अपनों की दी हुई चीज है। विधानसभा परिषद और राज्यसभा में आपका जो मैनेजमेंट रहा वो बहुत अच्छा रहा और जो बड़ा दिल दिखाया आपने आज की राजनीति में ये बहुत कम देखने को मिलता है, इसको कैसे आप बताएंगे? और दूसरा कहा है मुख्यमंत्री के शिवसेना यही है, तो फिर ठाकरे जी की शिवसेना कहाँ है इस पर? ये जो लोगों की परसेप्शन थी, लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि अभी तो मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही बनेगा, लेकिन एक भूमिका जो बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका जो है, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी का हिंदुत्व नकार दिया, उनके साथ तो हम लोग जा नहीं सकते, ये हमारी भूमिका लेके हम गए। तो बाला साहब ठाकरे जी हिंदुत्व की भूमिका को ही बीजेपी ने सपोर्ट करके, जो पब्लिक में परसेप्शन था कि सरकार बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी कुछ भी करते है, अभी बोल सकते क्या? अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक विचारधारा, एक भूमिका हम लोग ने ली, इसलिए मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है और निश्चित रूप से इस जो मौका मिला है उसका फायदा जो है लोगों के लिए हम करेंगे। लेडी फर्स्ट, देन यू विल बी लास्ट। नहीं, संपर्क तो पहले बहुत हम लोग ने भी किया, कोशिश भी की, लेकिन अभी आपको मालूम है कि ये हमारी जो कोशिश थी तो हम लोग उसमें ना कामयाब नहीं हुए। और बाला साहेब ठाकरे जी ने हमेशा कहा था ये कांग्रेस राष्ट्रवादी ये हमारे शत्रु हैं, उनके साथ हम कभी नहीं जाएंगे, अगर कभी ऐसा जाने का समय आया तो मेरी शिवसेना बंद कर दूंगा मैं। तो अभी हम लोग ने गलत काम किया ही नहीं, हम उनके साथ जो नेचुरल अलायंस है, जो बाला साहेब ठाकरे जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्रमोद जी महाजन, उन्होंने जब शुरुआत की थी, तो ये जो अभी बोलते हैं उनके ऊपर हमें कोई उत्तर देने की जरूरत नहीं है। सर, एक तो सर आपको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है फडणवीस सर, कई बार आप निकल जाते हैं अचानक से, बट सर कल आप लोग गृह मंत्री जी के यहाँ पे और तकरीबन 4.5-5 घंटे मुलाकात चली, इट इज बियॉन्ड दी कर्टेसी मीट, तो क्या कुछ पोर्टफोलियोज को लेके या